नीति करे है लेकिन देश राष्ट्र नीति करे। ऐसा ही हमला जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जवानों सीआरपीएफ के जवानों पे हुआ था, 76 जवान उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि नक्सलवादी भी हमारे राह भटके हुए भाई है। आज उनका दल अपने नेताओं के हत्या के ऊपर इतना चिल्ला रहा है, तब नहीं चिल्ला रहा था। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की राजनीति ये हमेशा ऐसे अभियान में बाधा बनती रही है। आइए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए सर। चौहान के जी, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जय हिंद चौहान के जी, मैं अहमदाबाद से जितेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। और इस नक्सली समस्या पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें पहले इसके मूल में जाना होगा कि आखिर ये नक्सली समस्या क्यों पनपी। हमें अगर हम थोड़े पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में एक छोटे से गांव नक्सलवारी से ये आंदोलन शुरू हुआ। हाँ। चारू मजूमदार और कानू चांडियाल के नेतृत्व में। उस वक्त अगर इंदिरा गांधी चाहती तो बातचीत करके इस समस्या को हल कर सकती थी। लेकिन जब उस वक्त बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी के पास प्रस्ताव भेजा कि आज नहीं तो कल ये समस्या बड़ी हो सकती है, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं नहीं, मेरी बंदूकें इनसे बात करेंगी। और उन्होंने बातचीत करने के बहाने चारू मजूमदार को बुलाया और पुलिस ने एनकाउंटर करवा दिया। मतलब एक छोटी सी घटना को इतना उन्होंने इतनी विकृति से उन्होंने डील किया इस छोटे आंदोलन को कि इतना वो जो जन आंदोलन बन गया। जैसे कोड़ापल्ली सीतारमैया जो आंध्र प्रदेश का एक कवि था, उसको भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तब उस वक्त नक्सली हिंसा में लिप्त नहीं थे, ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। उस वक्त नक्सलियों ने किसी की भी वो नहीं किया था, उस वक्त नक्सली केवल सरकार के साथ लड़ते थे, जैसे वन विभाग जमीनों पे कब्जे करना और उनकी मांगे उस वक्त जायज हुआ करती थी। उस वक्त ये कहते थे कि हम भूमिहीन है, हमें जो भी सरकार की फाजिल जमीन है वो दिया जाए। फिर बाद में उसमें ऐसा हुआ कि माओवादी इसमें घुस करके इस नक्सल इस आंदोलन को विकृत कर दिए और कुछ तथाकथित राजनेता इस आंदोलन में घुसे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और उन नेताओं ने इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल किया और इस आंदोलन के बाद से आज तक करीब 6000 लोगों की जाने इस आंदोलन ने ली है और न जाने कितने सुरक्षा बल गए। और सबसे बड़ी बात हमें यह देखने की है कि हमारे सुरक्षा बल 303 राइफल से लड़ते हैं और इन नक्सलियों के पास AK-56 स्टील कोटेड बुलेट, जो बहुत जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है वो है। इनके पास अत्याधुनिक बॉडी आर्मर है जिसका थी गोली का असर भी नहीं होता। हाँ। और हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है। तो ये बांग्लादेश से चाइना से हथियारे आ रहे हैं। केंद्र सरकार को सबको पता है कि हथियारों का रूट क्या है और इनको कौन दे। अभी रा ने एक खुलासा किया कि लक्सरे तोयबा और भारत के नक्सलियों ने हाथ मिला लिया है, आपस में हाथ मिला लिया है और लक्सरे तोयबा ने नक्सल के बहुत कई कमांडर्स को ट्रेनिंग दिया। अच्छा, कल की जो घटना हुई, इस घटना में मुझे ये कहना था कि कल की एक फोरेंसिक का एक नियम होता है, एक थियरी होती है, यदि किसी की मृत्यु हो हाँ। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मरने वाले से सबसे बड़ा फायदा किसका है। हाँ। अब मैं उस नेता चाहता, लेकिन वो नेता नक्सलियों के प्रति काफी सॉफ्ट रुख रखता है। वो नेता कैथोलिक है। वो नेता ने, जब वो नेता IAS ऑफिसर हुआ करता था, जिलाधिकारी हुआ करता था, उसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए, भोले भाले आदिवासियों को ईसाई बनाया। और वो नेता सोनिया गांधी के नजरों में आ गया क्योंकि सोनिया गांधी की नजरों में वही शख्स महान होता है जो आदिवासियों को ईसाई बनाए। और मजे की बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई तब विद्याचरण शुक्ल जैसे पुराने अनुभवी नेता को छोड़ करके उस अनुभवहीन नेता को मंत्री बनने का बनाया गया। अब वो नेता कल की घटना में, कल की रैली में वो था, लेकिन पता चला है कि हादसे के पहले वो नेता ऑपर से खिसक गया। फिर वो नेता टीवी चैनलों पे आकर के घड़ियाली आ रहा है। अब आजीत जोगी की बात कर रहे हैं। जी सर, आप आजीत जोगी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं अजीत जोगी की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये अजीत जोगी की संदिग्ध हरकतें क्या है। क्या उन्हें पता था? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी वो साफ हो गई। और दूसरी बात मैं कह दूं कि महेंद्र कर्मा
महेंद्र स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी और अरिंद जोगी में दुश्मनी छुपी नहीं है। मीडिया में खुले मंच पे लोगों ने लड़े, उनके खिलाफ शिकायत भी गई, मंच से अजीत जोगी को उतारा भी गया, खुलेआम मीडिया में भी अजीत जोगी आए और बोले कि भाई इन्होंने मुझे उतारा, इन्होंने मुझे ये किया, मैं सोनिया जी से शिकायत करूंगा। मतलब दोनों की अनबन बहुत ही पुरानी है। तो जस्ट एक दर्शक की तरह और एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह मैं ये चाहता हूँ कि फोरेंसिक की सबसे पुरानी थ्योरी कि मरने वाले से सबसे बड़ा फायदा किसका है और वो मरने वाला व्यक्ति वारदात स्थल से पहले क्यों फरार हो गया, इस चीज की जांच होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। अजीत जोगी को भी शक के घेरे में, हालांकि सोशल मीडिया में ये कल रात से ही ये घटना आ रही है और जिस तरीके से अजीत जोगी ने मीडिया में प्रतिक्रिया दी और जो भी पूरा घटनाक्रम रहा इसके बाद, ये भी एंगल एक सामने आता है, कांग्रेस ने इसकी भी जांच करनी चाहिए, ये भी बात सामने उठ रही है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस दिशा में भी आगे जाएगी और जो दाऊद वाला एंगल है उसके ऊपर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बुकियों का साम्राज्य जिस तरीके से तोड़ा जा रहा था और मैच फिक्सिंग के पूरे जंजाल को पुलिस लगता था कि अब निर्णायक लोगों तक पहुंचेगी, उसी समय मीडिया का रुख बदलने के लिए घटना को अंजाम दिया गया हो, ये भी एक कारण सामने आता है। ऐसे तमाम कारणों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि ऐसे विषय पर राजनीति होने के बजाय राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ इसको देखना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं।